सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को कीपर बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आईपीएल 2019 का सबसे रोमांचक व 23वां मुकाबला कोलकाता और चेन्नई की टीम के बीच में चेन्नई के ही चेपॉक स्टेडियम में खेला गया। आपको बता दें कि इस मुकाबले के लिए दर्शकों में एक अलग ही आक्रोश देखने को मिल रहा है क्योंकि यह मुकाबला आईपीएल 2019 की सबसे मजबूत दो टीमों के बीच में जो हो रहा है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले में टॉस जीतकर चेन्नई की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनकी शानदार गेंदबाजी के आगे आज केकेआर की टीम तो पूरी तरीके से पस्त हो गई और आंकड़ों के मुताबिक तो चेन्नई की टीम कोलकाता पर तो भारी है ही। साथ ही इस मुकाबले में टॉस जीतकर जब गेंदबाजी करने चेन्नई की टीम मैदान पे उतरी तब वह और भी ज्यादा भारी पड़ गई केकेआर की टीम पर। साथ ही दोस्तों इस मैच की शुरुआत में महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी चालाकी से अपनी टीम को वह सभी बड़े विकेट दिलवा दिए जिनके चलते कोलकाता की टीम शुरुआती दौर में इस मुकाबले में पिछड़ गई। दोस्तों आपको बता दें कि पारी का पहला ओवर डालने के लिए कप्तान धोनी ने गेंद थमाई थी दीपक चहर के अनुभवी हाथों में। हालांकि इस ओवर की 5वीं गेंद पर अंबती रायडू की गलती की वजह से विरोधी टीम को 5 रन जरूर मिल गए थे लेकिन फिर ओवर की 6ठी गेंद से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने दीपक चहर को कुछ ऐसा इशारा करा कि उन्होंने क्रिस लिन को LBW आउट कर दिया। साथ ही क्रिस लिन जैसे धाकड़ बल्लेबाज जो कि पिछले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे वह इस बार धोनी की कप्तानी के आगे केवल 0 पर ही आउट होकर चल दिए। दोस्तों आपको बता दें कि धोनी की शानदार कप्तानी का जलवा केवल यही नहीं रुका। अगले ओवर में जब हरभजन सिंह को गेंदबाजी थमाई गई तो इस ओवर की 5वीं गेंद को डालने से पहले एक बार फिर से धोनी हरभजन को एक अजीब इशारा करते हुए दिखे जिसके बाद महेंद्र सिंह धोनी की बात मानते हुए हरभजन सिंह ने बिल्कुल वैसी ही गेंद डाली और इस गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बल्लेबाज सुनील नारायण दीपक चहर को एक बेहद ही आसान कैच थमा बैठे और उनकी पारी केवल 6 रनों पर समाप्त होकर रह गई। लेकिन चेन्नई की टीम के गेंदबाजों का तूफान केवल यही नहीं रुकने वाला था। दोस्तों पारी के अगले ही ओवर यानी कि तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर धोनी ने एक बार फिर से गेंदबाज दीपक चहर को गेंद को थोड़ा धीमी गति से डालने के लिए कहा। इसके बाद दीपक चहर ने एक बार फिर से वैसा ही करा और इस बार बल्लेबाज नीतीश राणा एक बेहद ही लापरवाही भरा शॉट खेल बैठे और अंबती रायडू को एक बेहद ही आसान सा कैच थमा बैठे। इसी के साथ नीतीश राणा की पारी केवल 0 रनों पर ही समाप्त होकर रह गई थी। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं आपको बता दें कि फिर पारी के 5वें ओवर की 4थी गेंद पर दीपक चहर किसी न किसी तरीके से रॉबिन उथप्पा को भी आउट करने में कामयाब हो गए और उनका विकेट भी अपनी टीम को केवल 11 रनों पर ही दिलवा दिया। रॉबिन उथप्पा जो कि आक्रामक रूप से बल्लेबाजी कर रहे थे वह भी आज दीपक चहर की शानदार गेंदबाजी के आगे बिल्कुल बेबस होते हुए दिखे। इसी के बाद दोस्तों मैदान में आगे चलकर चेन्नई की टीम के एक और स्पिनर गेंदबाज इमरान ताहिर का जलवा सबको देखने को मिला। दोस्तों आपको बता दें कि 9वें ओवर की 4थी गेंद पर पहले तो इमरान ताहिर ने बड़ी चालाकी से दिनेश कार्तिक का विकेट चेन्नई की टीम को दिलवा दिया जो कि क्रीज पर सेट हो चुके थे। परंतु इमरान ताहिर की इस फिरकी गेंद को दिनेश कार्तिक समझ नहीं पाया और हरभजन सिंह को वह अपने एक आसान सा कैच थमा बैठे जिसके बाद उनकी यह पारी 19 रनों पर समाप्त हो गई। इसी के बाद पारी के 11वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल भी इमरान ताहिर की गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी की तेज तर्रार स्टंपिंग का शिकार हो गए और उनकी पारी भी 9 गेंदों पर समाप्त होकर रह गई। इसके बाद क्रीज के एक छोर से आंद्रे रसेल तो शानदार बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उसमें वह पूरी तरीके से नाकाम रहे। साथ ही फिर आगे चलकर मैच में पारी के 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर पहले तो हरभजन सिंह ने पीयूष चावला का विकेट चेन्नई की टीम को दिलवाया और फिर अगली गेंद पर कुलदीप यादव का भी विकेट उन्होंने ले लिया। दोस्तों आपको बता दें कि पीयूष चावला जहां 8 तो वहीं कुलदीप यादव तो केवल 0 के स्कोर पर ही आउट होकर पवेलियन की तरफ चल दिए। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी की शानदार कप्तानी व चालाकी भरी रणनीतियों के आगे आज तो आंद्रे रसेल का बल्ला शुरुआती दौर में तो पूरी तरीके से शांत दिखा और यह कहा जा सकता था कि धोनी की वजह से वह दबाव फील करने लगे थे। लेकिन दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी की इतनी चालाकी भरी कप्तानी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इसी तरह की खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।